melt होगा तो water आएगा ना. स्नो मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड वाटर. वाटर हमेशा क्या एग्जर्ट करता है? प्रेशर. वाटर हमेशा क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर. जब क्राउड इकट्ठा हो जाती है उसको डिस्पर्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाटर कैनन. वाटर क्राउड के ऊपर डाला जाता है. क्यों? क्योंकि वाटर हमेशा क्या एग्जर्ट करता है? प्रेशर. अभी होली आ रही है ना तो सब बलून बना के फेंकेंगे, ठीक है? वाटर हमेशा क्या एग्जर्ट करता है? प्रेशर. तो जब स्नो मेल्ट होगा तो मेल्ट होकर कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा बेटा? वाटर. तो वाटर रास्ते में जो भी माउंटेन या जो भी सॉइल के ह्यूज एरिया आएगा उसके ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर. और अपने साथ प्रेशर के साथ उसको नीचे की तरफ खिसकाएगा, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना वाटर एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंडस्लाइड्स के अंदर. और हमेशा क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर एग्जर्ट करेगा. और जब भी वो प्रेशर ज्यादा होगा ग्रेविटेशन फोर्स के कंपेरेटिवली, तो ग्रेविटेशन फोर्स कम है तो वो नीचे क्या ग्रेविटेशन फोर्स एक्सीड हो जाएगा और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड. हमेशा ध्यान रखना एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स दोनों में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है. एवलांचेस में साथ में स्नो आ जाता है, ध्यान रखना. और कभी भी दिमाग में मत रखना कि केवल सॉइल ही हो. जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2017 में प्लास्टिक, इज इट क्लियर? जो ईस्ट दिल्ली है वहां पे कूड़े का ढेर था, उसमें प्लास्टिक सबसे ज्यादा था, तो उसके भी डाउनवर्ड मूवमेंट, वो एक तरीके से छोटा सा पहाड़ सा बन गया था. और बारिश के दिनों में मानसून की वजह से, पानी की वजह से उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हुआ था. और अगर कोई चीज वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लेगी तो उसका वेट और क्या होगा? इंक्रीज. तो उसका डाउनवर्ड नीचे कोलैप्स करने के या नीचे गिरने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे. समझ में आया? इसीलिए वाटर हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंडस्लाइड्स में. किसी और को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन पूछना है? नोट्स में कोई डिफिकल्टी है? अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं.